अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये तीन घटनाएं साबित करती है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। दोस्तों वीडियो देखकर शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों दुनिया के सारे मजहब अच्छी तालीम देते हैं और इंसानियत का भी अच्छी बात बताते हैं। कोई भी मजहब ये नहीं कहता है कि दूसरे मजहबों के लोगों से नफरत करो, लेकिन आज आप दुनिया के होने वाली तीन ऐसी घटनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे जिससे मुसलमानों का कहना है ये कि इस्लाम को सच्चा मजहब बताती है। तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि इस्लाम को सच्चा मजहब बताने वाली तीन बड़ी घटनाएँ। दोस्तों पहला है कि कुरान ए पाक में फिरौन का जिक्र। दोस्तों सन 1898 में लाल समुद्र के किनारे एक महान मानव का मृत शरीर मिला। यह शरीर किसका है इस बात का पता लगाने के लिए इसे फ्रांस लाया गया। फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध और जाने माने चिकित्सा डॉक्टर मोरिस ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया जिससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसकी मौत हजारों साल पहले समुद्र में डूबने से हुई थी। डॉक्टर मोरिस को यह बात बड़ी ही आश्चर्यचकित कर रही थी कि इतने सालों तक समुद्र में रहने के बावजूद यह शरीर सर गल कर खराब नष्ट क्यों नहीं हुआ। फिर इन्हें एक सहकर्मी से यह बात पता चली कि मुस्लिम लोग बिना शोध किए ही यह बात कह रहे हैं कि यह व्यक्ति समुद्र में डूबने के कारण मरा था और इसका नाम फिरौन है जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को मारना चाहा था। दोस्तों पाक कुरान में फिरौन के समुद्र में डूबकर मरने और उसके मृतवी शरीर के सुरक्षित रहने की बात लिखी हुई है। दोस्तों डॉक्टर मोरिस को यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि शरीर के हजारों साल पुराने होने का पता तो उन्होंने अभी लगाया है, तो फिर यह बात कुरान शरीफ में 14 साल पहले से ही कैसे लिखी हुई है। फिर वह सऊदी अरब गए, वहाँ उन्होंने कुरान की आयतों को पढ़ा और समझा। आखिरकार उन्हें कुरान की सत्य पर विश्वास हो गया और उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। दोस्तों दूसरा है हिंद महासागर से उठने वाला सुनामी। दोस्तों 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में 9.1 की तीव्रता वाला जोरदार भूकंप आया था। इससे उठने वाली जोरदार सुनामी का असर भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड तक दिखाई दी थी। इस सुनामी में कई शहर तबाह हो गए थे, पर आपको यह जानकर बड़ा ही शौक होगा कि सुनामी का असर कुछ मस्जिदों पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। इनमें से कुछ मस्जिदों ऐसी थी जो समुद्र के किनारे बनी पड़ी थी, पर फिर भी सुनामी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जबकि इन मस्जिदों के आसपास बनी सारी बिल्डिंग और घर टूट गए थे। इनको देखकर सभी चौंक गए। अब ऐसी घटना देखकर हर कोई इस्लाम से प्रभावित होगा। दोस्तों तीसरा है दो महासागरों का पानी आपस से मिलता नहीं। दोस्तों पाक कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उन्होंने दो महासागरों को आपस में मिलने की आज़ादी दी है, पर दोनों के बीच एक प्रतिबंध लगाया है जिसे ये कभी तोड़ नहीं सकते। कई वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इस दोनों महासागरों के पानी का घनत्व अलग है और 14 साल पहले ही पाक कुरान में इस बात का जिक्र होता है कि अजूबे से कम नहीं है। इसी कारण अब तक कई वैज्ञानिक इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। तो दोस्तों ये ऐसे दावे हैं जिनको कोई भी गलत साबित नहीं कर पाया है। यूरोपियन और अमेरिका में इस्लाम को अपनाने के पीछे इन्हीं दावों की सच्चाई माना जाता है। ये इस्लामिक मालूमात है जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।